नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन क्लोज में। आज हम ल्यूसेंट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एमसीक्यू सीरीज जो है उसकी नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोन ऑफ अजातशत्रु एट विच प्लेस। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। ये किस जगह पे बुद्धिस्ट काउंसिल जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी? राजगृह में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगृह में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्का एट विच प्लेस। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्का के टाइम में की गई थी। ये किस जगह पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी? ये कश्मीर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान, महायान, वज्रयान आर द सेक्ट ऑफ। महायान, वज्रयान जो है ये सेक्ट किसके हैं? बुद्धिज्म के हैं, जैनिज्म के हैं, या हिंदू के हैं, या मुस्लिम के हैं? ये जो है बुद्धिज्म के हैं। हीनयान, महायान और वज्रयान जो है सेक्ट किसके हैं? बुद्धिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदनपुरी यूनिवर्सिटी इन बिहार शरीफ वॉज फाउंडेड बाई होम। उदनपुरी यूनिवर्सिटी जो बिहार शरीफ में है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? गोपाला के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी इन बदगांव बिहार वाज फाउंडेड बाई होम। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बदगांव बिहार में है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये कुमार गुप्त के द्वारा फाउंडेशन इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन भागलपुर वाज फाउंडेड बाई होम। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है वो किसके द्वारा फाउंड की गई है? वो धर्मपाला के द्वारा जो है फाउंडेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेन टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो है मेन टीचिंग क्या था इसमें से? क्या अहिंसा था, सत्य था, असत्य था, या अपरिग्रह था, या इनमें से सभी थे? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी थे। पार्श्वनाथ की टीचिंग जो है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज महावीर बॉर्न। महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ठीक है, जो कि उनकी जन्म कब हुई थी? 540 BC में। तो कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर वाज बॉर्न इन विच क्लैन। महावीर जो है किस क्लैन में, उनकी जन्म, महावीर का जन्म जो है किस क्लैन में हुआ था? ये जो है क्षत्रिय क्लैन में जन्म लिए थे। महावीर जो है वाज बॉर्न इन क्षत्रिय क्लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर। महावीर के पहले डिसिपल कौन थे? जमाली। जमाली वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर एट द एज ऑफ 42 महावीरा अटेंड कैवल्य मीन्स सुप्रीम नॉलेज। किस नदी के किनारे जो है 42 साल की उम्र में महावीर को कैवल्य की प्राप्ति होती है, सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होती है? जो कि वो कहाँ पे बैठकर उनकी सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति करते हैं? साल ट्री के नीचे। और ये रिजुपालिका नदी के किनारे सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति करते हैं। और बुद्ध जो है निरंजना नदी के किनारे और मॉडर्न जो है फागु नदी के किनारे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड महावीर डिलीवर हिज फर्स्ट सेरमोन टू हिज 11 डिसिपल नोन एज 11 गंधार्स। महावीर जो है पहला अपना सेरमोन कहाँ दिए थे अपने 11 डिसिपल्स को? ये जो है पावा में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी पावा। पावा इज द करेक्ट आंसर। पावा में जो है महावीर ने पहला सेरमोन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड महावीर पास एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC। महावीर जो है किस जगह पे उनकी मृत्यु हो जाती है 72 साल की आयु में? ये जो है पावापुरी में महावीर की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जेम ऑफ जैनिज्म। इनमें से जैनिज्म का जो है, इनमें से जैनिज्म का जेम कौन नहीं है, रत्न कौन से नहीं है? अहिंसा। अहिंसा जो है इनमें से करेक्ट आंसर नहीं है। बाकी जो है राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, ये क्या है? जेम्स ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द पैट्रोन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पहला जैन काउंसिल जो है कहाँ हुई थी? फर्स्ट जैन काउंसिल जो है कहाँ हुई थी?
हरिजन काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। जो जैन थे, जैन को डिवाइड किया गया था श्वेतांबर और दिगंबर्स में। श्वेतांबर्स उनको बोलते हैं दोज हु पुट ऑन वाइट रॉब्स। श्वेतांबर वो लोग थे जो वाइट कलर के कपड़े पहनते थे, ठीक। और इनके हेड जो था उस टाइम में, जैनिज्म क्या हुआ था, दो पार्ट में बढ़ गया था। एक पार्ट जो है नॉर्थ में रह गया था, दूसरा पार्ट जो दिगंबर्स है वो साउथ चले गए थे। जो नॉर्थ में थे उनके हेड थे स्थूल भद्रा, जो कि मगध के रीजन में रह गए थे। और जो दिगंबर्स थे वो हमेशा जो साउथ चले गए थे वो नेकेड रहते थे। उनके हेड कौन थे, भद्रबाहु, और उनके साथ जाने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच रॉक एडिक्ट पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड समरी ऑफ हिज धमा वेयर मेंशन। किस रॉक एडिक्ट पे जो है अशोका का की हिस्ट्री को पूरा समरी डिटेल किया गया है, ठीक है, किस रॉक एडिक्ट पे किया गया है। ये जो है माइनर रॉक एडिक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। माइनर रॉक एडिक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डिथ्रोन द लास्ट नंदा रूलर एंड ऑक्यूपाई द पाटलिपुत्र इन 322 BC विथ द हेल्प ऑफ कौटिल्य, हु वाज द लास्ट नंदा रूलर। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्या किए, लास्ट जो नंदा रूलर था उसको हटाकर, ठीक है, पाटलिपुत्र का 322 BC में जो है वो राजगद्दी संभाल लेते हैं। किसके हेल्प से वो संभालते हैं, कौटिल्य की हेल्प से संभालते हैं। तो लास्ट नंदा रूलर कौन था जिसको महावीर जो है हटा देते हैं, द लास्ट नंदा रूलर वाज धनानंद। लास्ट नंदा रूलर वाज धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है हरा कर खुद पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डिफिटेड सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, ठीक है। उसने कौन कौन सी टेरिटरी जो है सरेंडर की थी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन देखते हैं, हेराट, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है क्या करता है सेल्यूकस निकेटर सरेंडर कर देता है। हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को हेराट, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान जो है ये सारे टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सरेंडर कर चला जाता है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो था वो बाउंड्री बनाती है, दोनों के टेरिटरी को डिवाइड करती है। हिंदू कुश माउंटेन रेंज के उस साइड जो थे सेल्यूकस निकेटर का राज था और इस साइड जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज का राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में सेल्यूकस निकेटर का कौन सा एम्बेसडर जो है आया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो है एक फेमस बुक लिखा है इंडिका, इंडिका, ठीक है, जो कि पूरी डिटेल्स बताती है मौर्यन एम्पायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य बिकम अ जैन ही वेंट टू विथ भद्रबाहु वेयर ही डाइड बाई स्लो स्टारवेशन। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब जैन बन जाते हैं तो वो भद्रबाहु के साथ किस प्लेस पर चले जाते हैं, ठीक है, किस प्लेस पर चले जाते हैं बताना है, जिसके वजह से जब वो जाते हैं जिसके वजह से वो लोग वो क्या करते हैं स्लो स्टारवेशन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो किस जगह पर जाते हैं, वो कर्नाटक जाते हैं। कर्नाटक में चंद्रगिरी हिल्स, सरवन बेलगोला में चंद्रगिरी हिल्स है, वहीं पर ये लोग जाते हैं। जो साउथ में गए थे वो दिगंबर्स थे, ठीक, तो ये दिगंबर्स थे, साउथ में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, विच रूलर इज ऑल्सो नोन एज स्लेयर्स ऑफ फोय मीन्स मित्रघात। स्लेयर्स ऑफ फोय जो है किसको बोला जाता है, स्लेयर्स ऑफ फोय जो है बिंदुसार को बोला जाता है। विच रूलर ऑल्सो नोन एज स्लेयर्स ऑफ फोय, बिंदुसार इज ऑल्सो नोन एज स्लेयर्स ऑफ फोय। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीडेड बाई हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने बेटे के द्वारा बिंदुसार के द्वारा सक्सीड, मतलब वो आता है चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार आता है, और बिंदुसार के बाद जो है अशोका आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोका वाज सन ऑफ बिंदुसार, द वर्ड अशोका मीन, अशोका जो है बिंदुसार का बेटा था, अशोका का मतलब क्या होता है? क्या ऑप्शन नंबर ए फुल ऑफ सॉरो, बी विदाउट गोल, सी विदाउट सॉरो और डी नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी विदाउट सॉरो, अशोका मीन्स विदाउट सॉरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हेल्प अशोका इन फैट्रिसिडल स्ट्रगल ऑफ मौर्य डायनेस्टी, अशोका को हेल्प करने में कौन मदद करता है उसकी फैट्रिसिडल स्ट्रगल में ताकि वो मौर्य डायनेस्टी का राजा बन जाए? राधा गुप्त जो था वो हेल्प करता है अशोका को उसके भाइयों को मारने में, फैट्रिसिडल स्ट्रगल में राधा गुप्त जो है अशोका को हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहरी घोष और वार ड्रम, बेहरी घोष का मतलब वार ड्रम, वॉज रिप्लेस्ड बाई धम घोष बाई अशोका आफ्टर द फॉट ऑफ विच वार, आफ्टर द फॉट ऑफ विच वार। बेहरी घोष जो है वार ड्रम के द्वारा रिप्लेस कर दिया, बेहरी घोष मीन्स वार ड्रम, जो उसको रिप्लेस करता है कौन? धम घोष, धम घोष के द्वारा बेहरी घोष को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। ये किस युद्ध के बाद जो है किया जाता है? अशोका कौन सी लड़ाई लड़ा था जिसके वजह से ये धम घोष जो है अब स्टार्ट हो जाता है, मीन्स अब लड़ाई नहीं होगी धर्म का प्रचार होगा, ये कलिंगा वार के बाद जो है धम घोष जो है आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तर पथ प्रोविंस, उत्तर पथ प्रोविंस मीन्स नॉर्थ प्रोविंस का कैपिटल कहाँ है? नॉर्थ प्रोविंस का कैपिटल जो है क्या उज्जैन है, तहसीली है, तक्षशिला है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तक्षशिला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यन पीरियड देयर वॉज टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टिव्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मौर्यन पीरियड में दो तरह के क्या थे? डिटेक्टिव थे, इनमें से कौन कौन है? क्या संथान है, संचारी है या दोनों है या सिर्फ ऑप्शन बी है? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, संथान एंड संचारी आर द डिटेक्टिव्स ऑफ मौर्यन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू 26 जनवरी 1950 नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन गलत है, फ्रॉम वेयर 26 जनवरी 1950 एम्बल जो हैज टेकन और एडॉप्टेड, ये कहाँ से लिया गया है? 26 जनवरी को जो हम लोग नेशनल एम्बल जो है लिए थे वो कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ से ली गई है, जो नेशनल एम्बल है वो कहाँ से ली गई है? सारनाथ से, जो कि 26 जनवरी 1950 को जो है उसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग एस्टेब्लिश द सुंगा डायनेस्टी आफ्टर द कलिंग किलिंग द लास्ट मौर्यन, कौन से किंग थे जिसने सुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है, लास्ट मौर्यन को ख़त्म होने के बाद, ठीक है, किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ इन 185 BC। लास्ट मौर्यन किंग जो था बृहद्रथ उसको मारने के बाद सुंगा डायनेस्टी जो है स्टार्ट हो जाती है, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है? ये जो है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा जो है सुंग डायनेस्टी स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्निमित्र द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविका अग्निमित्र सक्सीडेड बाई होम, अग्निमित्र जो है, ठीक है, जो कि कालिदास ड्रामा का क्या है, हीरो था, ठीक, जो वो किसके द्वारा सक्सीड किया जाता है? ये पुष्यमित्र के द्वारा सक्सीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अदर ऑथर ऑफ महाभाष्य, महाभाष्य का ऑथर कौन था? पतंजलि वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, सिमुका इज द करेक्ट आंसर, सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी।